अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। रियासत बहावलपुर कभी हिंदुस्तान की 565 नीम खुद मुख्तार रियासतों में से एक और कहा जाता है कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी इस्लामी रियासत हुआ करती थी। इस पर कई सौ साल अब्बासी ख़ानदान ने हुकूमत की, जिसकी बुनियाद नवाब सादिक अब्बासी अव्वल ने रखी और ये रियासत की नवाबियत का सिलसिला उस वक्त ख़त्म हुआ जब 5 जुलाई 1947 को रियासत बहावलपुर ने पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया। बहुत देर तक नवाबी ने बहावलपुर को मराहत मिलती रहीं और आज भी मिल रही हैं। बहावलपुर शहर भी इन्हीं नवाबों के नामों पर आबाद है। दूसरे नवाब नवाब बहावल खान अब्बासी, जो पहले नवाब के साहबजादे थे, उन्होंने शहर की बुनियाद रखी। शहर दरिया सतलुज से 3 मील के फासले पर या 3 किलोमीटर के फासले पर है और दूसरे मुसलमान बादशाहों की तरह या दूसरे मुसलमान राजाओं की तरह अब्बासियों ने भी यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ी अय्याशी की। उमवी दौरे हुकूमत से शुरू हो जाएँ, उसके बाद अब्बासी आ गए, मतलब बगदाद के खुलफा की बात कर रहा हूँ। फिर जब हलाकू खान ने 1258 में बगदाद को तबाह किया तो अब्बासी मुंतशिर हो गए और ये उसी ख़ानदान का हिस्सा है जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ, यानी रियासत बहावलपुर। रियासत बहावलपुर में इन नवाबों ने बाकी सब कुछ किया, लेकिन या तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की सृष्ट में अय्याशी लिखी हुई है या हमारी कोई फितरत ऐसी है कि हम अय्याशी के बगैर रह नहीं सकते। शायद इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त इसलिए दी थी कि हम मर्द हजरात उस पर कनात कर लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। जिसके पास पैसा होता है वो उसकी ख्वाहिश होती है कि 4 नहीं बल्कि 400 बीवियाँ हों, और ये रिवायत बहावलपुर के नवाबों ने भी कायम रखी। मैं यहाँ इस जिस मकाम पर बैठा हूँ, ये नूर महल है। इस तरह के कई महल इस शहर में मौजूद हैं और नूर महल है, दरबार महल है, सादागढ़ पैलेस है और इस तरह के जो है वो बाकायदा सादागढ़ पैलेस में तो 3 महल्लात हैं। तो मैं ये नूर महल इसलिए आया था कि लोगों की नज़र में बड़ा अच्छा इमेज है। इसमें कोई शक नहीं कि नवाब सादिक अब्बासी जो पंजम थे, जो जब पाकिस्तान बना, उनकी और कायद अजम की ज़ाती दोस्ती भी थी। पाकिस्तान में रियासत बहावलपुर शामिल भी हुई, इसे इस्लामी रियासत भी कहा जाता था। लेकिन मैं आज आपको ये बताता हूँ कि नूर महल कभी अब्बासियों के हरम सरा हुआ करता था और इसमें अंदर जाने का रास्ता था, बाहर आने का रास्ता नहीं था, मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए। तो आइए मैं जो है वो साथ आपको महल का बैरूनी हिस्सा भी दिखाता हूँ और ये भी बताता हूँ कि यहाँ क्या कुछ होता रहा, कितनी कनीज़ें आईं और कितनी यहाँ से चली गईं। और एक दिलचस्प बात आपको और बता दूं कि बहावलपुर में साहब कम साहबजादे ज़्यादा हैं, क्योंकि नवाब की कानूनी औलादें वो तो नवाब कहलाती हैं, लेकिन जो दाश्ताएँ थीं, जो कनीज़ें थीं, जो लौंडियाँ थीं, उनकी औलादें साहबजादे कहलाती हैं और आज भी बहावलपुर साहबजादों से भरा पड़ा है। कभी इस रियासत का रकबा था जी 45,588 मुरबा किलोमीटर। बुनियाद वही मैंने बताया, अब्बासी दो पोतरों के एक सरदार नवाब सादिक खान अव्वल ने 1733 में किला द्रावड़ रावल अखी सिंह से छीन कर रखी। बहावलपुर वो पहली रियासत थी जो तकसीम के बाद सबसे पहले, यानी 5 अक्टूबर, ये भी मैंने आपको बताया, 5 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान में शामिल हुई। रियासत का सरबरा नवाब कहलाता था। पाकिस्तान में शामिल होने तक इसके 12 नवाब गुजरे। बहावलपुर के 2 मुमताज़ मुहक्किकीन, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर और प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब हुसैन गिलानी की एक मुश्तरका किताब है जिसका नाम है खित्ता बहावलपुर का मुख्तसर जुग्राफियाई, तारीखी, इंतज़ामी और सकाफती जायज़ा। इसमें रियासत के बारे में बड़ी मुकम्मल मालूमात दी गई हैं, जिनमें से एक बाब हरम सराय सुल्तानी का भी है और इस बाब में नवाबों की बीवियों और कनीज़ों के बारे में मालूमात शामिल हैं। कसरत अज़्दवाज दुनिया के अक्सर हुक्मरानों की मुश्तरक ख़ासियत रही है।
عباسیوں کے ہاں بھی کئی بیگمات ہوا کرتی تھی، مغلوں نے بھی جو ہے وہ انتہا کر دی، کنیزیں بھی رکھیں، بیگمات بھی رکھیں اور لونڈیاں بھی رکھیں، یہ تو اسی طرح چلا آتا ہے۔ تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مطلب پرانے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے حرم میں سینکڑوں کنیزیں، لونڈیاں، بیویاں سب شامل ہوتی تھی۔ اچھا، آج کے دور میں بھی جو ہے وہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے یا اقتدار ہے وہ بیویوں کے معاملے میں بہت فراخ دل ہیں۔ کیمرون ایک ملک افریقہ کا، اس کی ریاست ہے ماروا اور اس کے بادشاہ کا نام ہے بکر پریما بابا، اس کی 100 بیویاں کہتے ہیں کہ اس وقت بھی موجود ہیں، ہمت ہے بھارت۔ اچھا، جو بہاولپور کی ریاست ہے اس کا شمار ہندوستان کی خوشحال ترین ریاستوں میں ہوتا تھا، اور اس کا اندازہ اس کے عالی شان محلات کو دیکھ کر ہوتا ہے جن میں صادق گڑھ، گلزار محل، نور محل اور دربار محل شامل ہیں، جن کی مثال پنجاب، سندھ اور راجپوتانہ ریاستوں میں بھی نہیں ملتی۔ ریاست کے 10ویں نواب تھے صادق خان رابع، یعنی چوتھے جو ہے وہ نواب۔ ان کا جو دور حکومت تھا 1866 سے 1899 تک تھا، ان کی 100 بیویاں تھیں۔ 1882 میں انہی نواب صادق محمد خان عباسی چہارم نے گمنام طور پر پیرس میں لا میسن کرسٹوفل سے ایک خصوصی بیڈ تیار کرایا۔ گلاب کی لکڑی سے بنے اس بیڈ کا وزن 1 ٹن بتایا جاتا ہے، جس کا 1/3 حصہ چیز اور کندہ شدہ سٹرلنگ چاندی سے ڈھکا ہوا تھا۔ بیڈ کے چاروں جانب بھرپور قد و قامت کی 4 خوبصورت یورپی خواتین کے برہنا لیکن مشہور کن مجسمے سے حیرت انگیز طور پر انسانی جلد اور جسم سے مشابہ ان مجسموں کے نیچے کرینک واؤنڈ اسپرنگ لگے ہوئے تھے، جن کی مدد سے یہ باقاعدہ حرکت کرتے تھے۔ ان خواتین کے قدموں کے نیچے تار پیوست تھے، جو مسحری کے نیچے نصب ایک میوزک باکس تک جاتے تھے۔ گدے کے مرکز پر جب نیچے کی جانب دباؤ پڑتا تو یہ مجسمے حرکت میں آ جاتے، جس سے میوزک باکس متحرک ہو جاتا اور پورے کمرے میں دلکش موسیقی بکھر جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ خواتین کے یہ مجسمے 30 منٹ تک مسلسل حرکت کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے کمرہ موسیقی سے گونجتا رہتا۔ کرسٹوفل فرم کے لیے 1882 میں لی گئی ایک واٹر کلر اور کئی تصاویر اس بستر کا واحد ثبوت ہیں، لیکن اس کا موجودہ ٹھکانہ معلوم نہیں۔ 11ویں نواب بہاول خان خامس یعنی پنجم نے تو اپنے پیشرو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور باقی تمام نوابوں کو مات دے دی، اور بیویوں کی تعداد 100 سے بھی بڑھا لے کے۔ ان میں سے 4 کہتے ہیں خاندانی بیویاں تھیں، 2 اینگلو انڈین تھیں، 1 انگریز تھی اور 1 جو ہے وہ عراق کی رہنے والی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک بیوی نچلی ذات کی ہندو زہرا کٹانی تھی، جس سے انہیں عشق ہو گیا تھا۔ اس سے ان کے 2 بیٹے ہوئے، جو انہوں نے درگاہ خواجہ غلام فرید کی خدمت گزاری پر معمور کر دیے۔ ان کے جو نواب تھے ان کا جو حرم تھا اس میں بھی ماشاءاللہ درجنوں سینکڑوں خواتین تھیں، اور ان کی حفاظت کے جو انتظامات تھے وہ بہت غیر معمولی تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں چڑیا تک پر نہیں مار سکتی تھی۔ کڑے پہرے کی خاطر اس محل کے ارد گرد باقاعدہ ایک دوہری فصیل ہوتی تھی، جس کے داخلی دروازے کی چوکیداری پر ایک پوربیا نامی ہندو خاتون وہ محافظ تعینات ہوتی تھی، اور جو ڈیوڑی تھی وہ ڈہر اور مہر قبیلہ کے ذمہ تھی، یعنی اس کی حفاظت کہ کوئی جو ہے وہ اندر نہ آ سکے۔ حرم سرا کی دیگر خدمات پر خواجہ سرا تھے، مردوں کا داخلہ ممنوع تھا، اور نواب کے، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ نواب کے جو حقیقی بیٹے تھے یا ہوا کرتے تھے وہ بھی جب 8 سال کی عمر کے ہوتے تھے تو انہیں حرم سے باہر منتقل کر دیا جاتا تھا، اور مطلب ان نوابوں کے ہاں منکوہ بیویوں کے علاوہ زرخرید لونڈیوں، مفتوحہ اور باغی سرداروں کی بیٹیوں اور زیر عطاب مقتول عمرا کی بیویوں اور بیٹیوں کو بھی حرم میں شامل کرنے کا دستور ہوا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، میں نے پہلے ذکر کیا کہ جی اسلامی ریاست تھی تو اسلام میں 4 بیویوں کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے، تو عباسی خاندان جو ہے وہ اس حد تک اسلامی ضرور تھا کہ نکاح میں بیک وقت صرف 4 بیویاں ہی رکھا کرتے تھے، باقیوں کو بھاری بھاری طلاق دے دی جاتی تھی، یعنی کچھ عرصہ رکھا، اس سے جب دل بھر گیا اور اس کو فارغ کر دیا اور پھر اس کی جگہ کسی دوسری جو ہے وہ خاتون نے لے لی، اور جو ہے وہ
इस तरह मतलब इस्लाम भी हाथ से नहीं जाता था और अय्याशी भी जो है वो मुकम्मल होती थी। यानी इस्लाम और अय्याशी का तसव्वुर अब्बासियों के यहाँ, बहावलपुर के अब्बासियों के यहाँ बड़ा बहुत अच्छी तरह पाया जाता था। तो लेकिन वो जो जिनको तो अच्छा, और एक बड़ी लुत्फ की बात बताऊँ, ये मैं तो इसको कहूँगा कि ये जुल्म है, लेकिन बहरहाल वो थे बादशाह थे, राजा थे, सारा कुछ थे। जिन लोग, जिन बीवियों को तलाक दे दी जाती थी उन्हें दोबारा निकाह करने की इजाज़त नहीं होती थी और ना उन्हें महल से बाहर जाने दिया जाता था, बल्कि उन्हें इस बात पर मजबूर किया जाता था कि वो अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी इसी हरम सरा में गुजार दें। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ उन पाबंदियों के बारे में जो पाबंदियाँ इन ख़वातीन पर जो है वो लगाई जाती थी। मसलन अगर किसी खातून को कभी अपने मेके जाना होता था तो उन्हें साल में एक बार अपने मेके जाने की इजाज़त थी, और इस दौरान जो है वो बाकायदा उन्हें इजाज़त तलब करनी पड़ती, सरकारी मुहाफिज उनके साथ जाते, वो जब तक अपने मेके में रहती उनकी निगरानी की जाती, और जो उनके रिश्तेदार थे मर्द रिश्तेदार, उनमें से सिर्फ बाप को और भाइयों को हरम सरा आने की इजाज़त थी, लेकिन अंदर नहीं, बल्कि वो डोड़ी जिसकी हिफाजत जो है डहर और महर कबीला किया करता था, उस डोड़ी में वो मर्द आया करते थे, और वो जो मतलब सगे जो रिश्तेदार थे उनमें भाई और सिर्फ जो है वो वालिद, उनको डोड़ी में ही मुलाकात करवाई जाती थी, अंदर आने की इजाज़त नहीं होती थी। और एक और बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊँ, आप बड़े हैरान होंगे सुनकर कि ऐसा भी ये अमीरा ने बहावलपुर जिनके इस्लाम पसंदी का ढिंढोरा पीटा जाता है, इस हरम सरा में रेडियो, अखबार, रिसाला, इंसानी तस्वीर और जानवरों, नर जानवरों और मुर्गों तक का दाखिला जो है वो ममनू था, हत्ता के बाद सब्जियां और फल भी काट कर अंदर भिजवाए जाते थे, साबुत नहीं भिजवाए जाते थे। मेरा ख्याल है कि समझने वाले समझ गए होंगे कि कौन कौन से फलों को काट कर अंदर भिजवाया जाता होगा या कौन कौन सी सब्जियों की के कतलियाँ बनाकर जो है वो हरम सरा में भेजी जाती थी। ये हाल था नवाबी ने बहावलपुर की अय्याशी का और उनकी पाबंदियों का। ज़ाहिर है हरम सरा से बाहर भी हो जाती थी खवातीन, नवाब की बहनें, बेटियां और बीवियां, लेकिन ज़ाहिर है नवाब से कारों पर सफ़र किया करती थी। गाड़ियों की जो शीशे थे उन्हें बतौर ख़ास रंगदार बनाया जाता था, रंगदार गाड़ियों के अलावा वो बाहर नहीं जा सकती थी, और मजीद ये कि शीशे के अंदर दोहरा पर्दा लगा दिया जाता था ताकि पता ही ना चले कि कार के अंदर जो है वो कौन बैठा हुआ है। खाकी रंग का पर्दा होता था जिससे रियाया को ये पता चलता था कि बापर्दा ख़वातीन गुजर रही हैं, यानी उनके नवाब की खूबसूरत तरीन बेगमात लौंडियाँ या कनीजें गुजर रही हैं, लिहाजा वो कार की तरफ देख कर पुश्त करके खड़े हो जाते थे। यानी कार सड़क पर से गुजरती थी तो वो कार की तरफ पुश्त कर लिया करते थे कि कहीं गलती से उनकी निगाह अपनी किसी जो है वो नवाब की बीवी पर ना पड़ जाए। तो ख़ुद नवाब साहब जब अपनी अंग्रेज़ बीवी के साथ बाहर निकलते थे तब भी इसी ज़ाब्ते पर अमल किया जाता था, और इससे अगर कोई ज़रा सी भी खिलाफ वर्जी होती तो बाकायदा उस पर शाही अताब नाजिल होता, और अगर ज़ाहिर बीमारी और सेहत हर इंसान के साथ साथ है, अगर हरम सरा की कोई खातून बीमार हो जाती तो उसे हकीम के पास ले जाने का कोई रिवाज नहीं था, बल्कि सिर्फ मर्ज़ की अलामतें बताई जाती हकीम को, और हकीम फिर अपने हवाले अपने जो उसकी समझ थी उसके मुताबिक वो नुस्खा दे दिया जाता था। अच्छा, जो कुछ सहूलतें भी थी हरम सरा में, ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ पाबंदियाँ थी, लेकिन नवाब की बेगमात उनकी बेटियों, वालदा, दादी और दीगर रिश्तेदार ख़वातीन को हिफ्ज़ मरातब के मुताबिक आरास्त पैरास्ता क़याम गाहें फराहम की गई थी। बड़ी कहते हैं कि जो है वो बहुत ही पुरतश जो है वो किस्म की रहायश गाहें थी, जो कमरे थे जहाँ उन्हें ज़िंदगी की तमाम सहूलतें मुयसर थी। हरम सरा अपनी खूबसूरत इमारत वसीओ अरीज सब्ज़ारों, बागीचों, तालाबों और आराइश व ज़वाइश के हवाले से किसी जन्नत से कम नहीं था। हर खातून का अलग से वजीफ़ा मुकर्रर था, खिदमत के लिए सैकड़ों मुलाजमाएँ हुआ करती थी, और उन पर एक ओहदेदार खातून भी होती थी, मतलब खिदमतगारों की जो इंचार्ज होती थी, जो ड्योड़ी थी
उससे रابते के लिए एक मुइम्मर खातून जिसे मौत बराए ख़ास कहा जाता था वो मुतय्यन होती थी। वो ड्योढ़ी और हरमसरा के दरमियान रबते का फर्ज अंजाम दिया करती थी, लेकिन जो हरमसरा के अंदरूनी मामलात होते थे उन पर जो हाकमाना इख्तियार हैं वो नवाब की वालिदा या दादी को हासिल होते थे अगर दादी जिंदा होती। नवाब सादिक खान पंजम यानी खामिस की दादी अपने महल में बाकायदा दरबार लगाती थी, जहाँ हरमसरा की खवातीन अराकीन सल्तनत की बेगमात और मुलाजमाएँ रोज़ाना हाजिर होती हैं। उनकी ड्यूटी होती थी कि वो दरबार में हाजिरी हों। उनके महल पर रियासत का झंडा लहराया जाता और वो हरम सरा के इंतजाम के हवाले से अहकाम जारी करती। इस मौके पर हाजतमंद खवातीन की मदद भी की जाती थी। हरम सरा की जो खवातीन थी उन्हें रक्स व मौसीकी की इजाज़त थी, लेकिन सिर्फ खवातीन ही उन्हें देख सकती थी या नवाब साहब जो है वो खुद उन्हें नाचते हुए देखते थे। जो मेहमान खवातीन थी उनकी तवाज़ो खानों और मशरूबात से की जाती थी, लेकिन इन तमाम सहूलतों के बावजूद उन्हें महल में घुट घुट कर मरना होता था, क्योंकि महल से बाहर की ज़िंदगी के दरवाज़े उन पर कतई बंद हुआ करते थे। एक जो सबसे बड़ा जुल्म भावलपुर के नवाबों ने रखा वो ये था कि वो शुरू से ही अपनी बेटियों और बहनों की शादी नहीं किया करते थे, हालांकि ये किसी भी लड़की का शरई फितरी और कानूनी हक है, लेकिन नवाबी ने बहावलपुर ने अपनी बहनों बेटियों को इस हद से महरूम रखने की रवायत कायम रखी और उसकी तौजीह ये बयान किया करते थे कि वो किसी भी शख्स को अपना दामाद या बहनोई कहलवाना अपने वक़ार के मुनाफी समझते थे। यानी उनके नज़दीक बहनोई या दामाद जो है वो उनकी बेटी या बहन के साथ इज़दवाजी ताल्लुकात कायम करे तो वो उनके लिए नहायत ही एक घटिया बात थी, उनके वक़ार के मुनाफी थी। हाँ, लेकिन जो रियासत भावलपुर के आखिरी नवाब नवाब सादिक अब्बासी पंजम जिनको कहा जाता है, ये वही नवाब हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इलहाक का फ़ैसला किया था। उन्होंने इस रिवायत को तोड़ा और सबसे पहले अपनी बहन शहजादी मेहर इलाही की शादी अपने चचाजाद भाई मोतसम बिल्ला अब्बासी से की। तो ये जो हरम सरा की जो रिवायतें थी, जो कभी इसको कभी रिवायती कहूँगा, इसको तोड़ने का सेहरा जो है वो आखिरी नवाब आप बहावलपुर के सर जाता है। उन्होंने फिर ये सिर्फ यही नहीं किया कि अपनी बहन की शादी की, बल्कि अपनी तमाम बेटियों को भी बावकार तौर पर रुख्सत किया, उनकी शादियां की, और वो जो 11 नवाबों की तरफ से ये जो रस्म चली आ रही थी कि जी हमने अपनी बेटी या अपनी जो बहन है वो किसी और मर्द को नहीं देनी, इस निकाह को इस रस्म को ख़त्म कर दिया गया। नवाब सादिक ने ये भी किया कि उन्होंने जिन औरतों को तलाक दी जाती थी उन्हें निकाह सानी यानी दूसरे निकाह की इजाज़त भी दे दी। और ये अलग बात है कि जो दरबार में रहने वाली ख्वातीन थी उनमें से बेशतर ने महल से बाहर जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका अपना ज़ाती ख्याल ये था कि वो अगर नवाब की बीवी रही हैं तो उसके बाद किसी आम आदमी की ज़िंदगी में शामिल होना उनके वक़ार के मुनाफी था। तो ये कहा जाता है कि बहुत सी जो हरम सराब में सबका बीवियाँ थीं या जो कनीज़ें थीं उन्होंने महल छोड़ने से इनकार कर दिया और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन इसी महल में गुजारे। इसकी एक मिसाल जो है वो दी जाती है रखो बीबी की। रखो बीबी 1993 में वो आखिरी खातून थी जो इस महल में रहा करती थी और 1993 में उसका इंतकाल हुआ, तब तक उसने महल नहीं छोड़ा। लेकिन बहरहाल जो भी है, मैं ये नहीं कहता कि जो है वो बहावलपुर के नवाबों ने अपने आवाम के लिए काम नहीं किया, ख़ासतौर पर जो आखिरी नवाब हैं इसने बहावलपुर के लिए बहुत काम किया है। लेकिन अगर आप बहावलपुर रियासत की तारीख पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये अय्याशी में भी कम नहीं थे। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, डिस्पेंसरियाँ सब कुछ नवाब सादिक अब्बासी ने किया, लेकिन बहावलपुर की अज़मत की दास्तानों के साथ साथ नवाबों की अय्याशी की दास्तानें वो भी इसी तरह मशहूर रहेंगी। बेशक कोई खौफ के मारे, डर के मारे,
احترام کے مارے ان کا ذکر کرے یا نہ کرے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ تمام نوابین بہاولپور عیاش تھے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔